हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेल्थ इंक्लूड फिटनेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज जो मेरा वीडियो है बेसिकली किसी वर्कआउट के बारे में नहीं है। बहुत दिन से काफ़ी क्वारीज आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे, मेरे फ्रेंड्स हैं, सर्किल है, उनके फोन्स आ रहे थे कि एक आप वीडियो जो है डाइट के ऊपर बनाएं। डाइट मतलब फैट लॉस की डाइट, यानी कोई अपने घर रहकर भी इस डाइट को फॉलो करके वजन घटा सकता है, जिम नहीं जाता है तो भी वजन घटा सकता है। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं आपसे। तो डाइट के बारे में सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि कई लड़के जिम में आते हैं कि भैया डाइट दे दो, तो ये डाइट कोई ऐसी चीज नहीं कि पेपर पे लिखी और किसी को भी ऐसी पकड़ा दो, फॉर्मेट बनाया ऐसी पकड़ा दो, ऐसा कुछ नहीं होता। हर किसी का बॉडी फैट परसेंटेज अलग होता है, हाइट अलग होती है, BMI रेट अलग होता है, हर किसी का जो है अपना शरीर का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो डाइट कभी भी ऐसे नहीं बनाई जाती कि किसी को कुछ भी पकड़ा दो। डाइट बनाई जाती है पूरे ओवरव्यू लेने के बाद, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आप किस तरह की चीजें खाते हैं, दिन भर आपका फैट परसेंटेज क्या है। तो हम डाइट की जो शुरुआत करेंगे, डाइट की अपनी शुरुआत करेंगे मॉर्निंग से। मॉर्निंग में जब भी आप उठते हैं, जिस टाइम भी आप उठते हैं, उठते ही आपको क्या करना है, रात को आपको एक तांबे के बर्तन में पानी रख के सोना है। जब आप उठेंगे सुबह मॉर्निंग में तो वो आपको ऐसे ही पीना है, बिना कुल्ला करे। बिना कुल्ला करे पीने से क्या है, जो आपकी जो चेहरे के अंदर, मुंह के अंदर लार रहती है ना, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, जो कि अंदर जाकर आपकी क्लींजिंग और मेटाबॉलिज्म हाई करती है। तो आपको क्या करना है, 2-3 गिलास पानी पीना है। उसके बाद जो भी आप करते हैं, फ्रेश फ्रेश होना है। उसके बाद आते हैं आप आपके ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट जो है हमारे दिन भर की दिनचर्या का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आपको क्या करना है, ये नहीं कि कुछ लोग कहते हैं ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप खा रहे हैं उसी में बस आपको कटौती करनी है, आपके कैलोरी डेफिसिट चार्ट के अकॉर्डिंग। कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, इसका ये होता है कि आप जैसे दिन भर में खा रहे हैं, दुनिया भर का आपने खा लिया, लेकिन आपने वो एब्जॉर्ब नहीं किया, आपने वर्कआउट नहीं किया, आप वॉकिंग नहीं की, यानी कि जो आपने खाया वो ऐसे कि ऐसे आपकी बॉडी में गया, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो क्या करेगा, आपको फैट में कन्वर्ट करेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्रेकफास्ट में एक एप्पल लीजिए, एप्पल खा लीजिए। एप्पल सभी बताते हैं, आप एप्पल भी खा सकते हैं, कोई भी सीजनल फल जो भी आपके मार्केट में उस मौसम के हिसाब से अवेलेबल हो, कोई भी फ्रूट आप खा सकते हैं, यानी कि एक या दो या तीन कितने भी आप खा सकते हैं। आप एक बनाना भी ले सकते हैं, उसके ऊपर काली मिर्च लगा के खा सकते हैं, फुल आपको एनर्जी देगा। फैट लूज में बनाना काली मिर्च के साथ क्रिया करके फैट लूज में ही काम करता है। उसके 15 मिनट बाद आपको लेनी है एक ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी पी लीजिए। ब्लैक कॉफी पीने के बाद अब आप जो भी आप करते हैं, 2 से 2.5 घंटे का गैप कीजिए। उसके बाद जो आपका फर्स्ट मील आएगा उसमें हमें क्या करना है, चना मूंग की दाल के स्प्राउट आपको रात को भिगोने हैं। रात को भिगोने के बाद सुबह हल्के से अंकुरित हो जाएंगे, उन्हें ऐसे ही धुल के, उसके साथ साथ आपको 50 ग्राम ड्राई फ्रूट लेने हैं। ड्राई फ्रूट में आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ बेसिकली क्या मिलता है, बादाम, काजू, अखरोट, अंजीर, कुछ भी आप पानी में भिगो के रात को और सुबह उन्हें खा सकते हैं। उसके बाद जो आपको ये स्प्राउट हैं, ये आपको क्या करना है, स्प्राउट को आपको धुलना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 50 ग्राम ओट्स लेने हैं, पानी में उनको उबालना है। उसके बाद उसी में ग्रीन वेजीज डालनी है, जैसे कि ग्रीन वेजीज में मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि शिमला मिर्च है, हमारी स्प्राउट है, ब्रोकली है, ये आपको मिलाकर उन्हें 15 मिनट पकाकर ये आपको खाना है। उसके साथ आपको लेना है 1 गिलास या तो लेमन जूस लीजिए या ऑरेंज जूस लीजिए। आपको क्या करना है, आपकी जो नाश्ते के बाद आपको क्या करना है, 6 एग व्हाइट, 5 काजू, 5 बादाम आपको ये खाने ही खाने हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे आपने जूस पी लिया, उसके बाद आपको देना है 20 मिनट का गैप। उसके बाद आते हैं हम आपके, जैसे आप मॉर्निंग रूटीन में कुछ भी करते हैं, अपना वर्क करते हैं, जो भी आप काम करते हैं उसे कीजिए। उसके आपके 2 घंटे बाद आपको क्या करना है, आपका लंच। लंच के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, घर में कोई भी हरी सब्जी हो, पनीर हो, एग्स हो, वो आप ले सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपके घर में चपाती, चपाती याद रखें 3 से ज्यादा आपको नहीं खानी है। उसके साथ आपको 6 बॉइल्ड एग जरूर चाहिए और एक हल्का सा आपको उसके साथ चाहिए कोई भी सैलेड। सैलेड आपको खीरा हो, जो भी आपके मार्केट में अवेलेबल हो आसानी से, जो आप अफोर्ड कर पाए, उस सैलेड के साथ आपको क्या करना है, आपकी जो दिन दोपहर का जो लंच है वो आपको खाना है, कोई भी हरी सब्जी या पनीर। उसके साथ आपको 6 एग व्हाइट लेने हैं
वो आपको खाने हैं। खाने के साथ आपको क्या करना है, एक आपको दही का पैकेट लेना है। दही के पैकेट में आपको क्या करना है, जैसे रायता टाइप बनाते हैं, काली मिर्च डाल के उसमें खीरा कस के उसको रायता टाइप बनाइए, उसे आप खाइए। दिन में जब आप खाना खा लेंगे उसके 2-2.5 घंटे बाद आपको लगेगा कि भूख लग रही है। कई बार होता है ऐसे भूख लगी तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपको लेना है या तो भुना हुआ मखाना 100 ग्राम, या उसके साथ आप ले सकते हैं 100 ग्राम चने भुने हुए, या उसके साथ आप ले सकते हैं 100 ग्राम मूंगफली बिना नमक वाली, आप इसको खा सकते हैं। उसके बाद आप जो भी वर्कआउट करते हैं, उसके वर्कआउट में जो प्री मील होता है आपको क्या करना है, 2 ब्राउन ब्रेड लेने हैं पीनट बटर के साथ, उसके साथ आपको 2 फ्रूट खाने हैं कोई भी सीजनल, आप आराम से खा सकते हैं। फिर उसके बाद जो आप वर्कआउट करते हैं वो कीजिए। आपके वर्कआउट के बाद आपको क्या करना है, वर्कआउट के बाद आप जो भी अपना स्टैक चलाते हैं, आप प्रोटीन ले रहे हैं वो उसको लीजिए। के बाद आपको करना है ये कि आपको लेने हैं 6 एग वाइट, उसके साथ वाइट एग वाइट नहीं ले सकते तो आप 100 ग्राम पनीर ले लीजिए। अगर आप पनीर भी नहीं ले सकते तो आप 250 या 300 ग्राम बॉयल चिकन ले सकते हैं। इसके साथ ही आपकी जो है ये इवनिंग स्टैक आपका ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं आपके रात के खाने की। जो रात का खाना है वो सिमिलर ही दोपहर के खाने जैसे होने वाला, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें ग्रीन वेजेज लेनी है। आप पनीर की सब्जी भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, या जो भी आपको प्रेफर हो, घर की दाल हो, मूंग की दाल हो, कोई भी दाल हो, उड़द चना दाल हो। उसके साथ आपको 2 चपाती ऐड करनी है। 100 ग्राम आपको लेने हैं वाइट राइस। वाइट राइस ऐसे नहीं लेने कि आपने लिए वो छोंक दिए घी भी तेल सब डाल डुल के उसको स्पाइसी बनाया और खा गए, नहीं। आपको क्या करना है, 100 ग्राम वाइट राइस को उबालना है, उसके बाद उसका पानी निकाल के फेंक देना है। जब वो बिल्कुल खिले खिले हो जाए उसके साथ आपको आपका डिनर जो है कंप्लीट करना है। डिनर कंप्लीट करने के 15 मिनट बाद आपको लेनी है ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन टी। ग्रीन टी जो है आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, फैट को कम करती है। उसके कई लोग की क्वारी आती है कि ग्रीन टी या कैफी या कॉफी पीने से आपको नींद नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रीन टी पीने के बाद आपको बहुत अच्छी नींद आती है। उसके आपको 2 घंटे बाद क्या करना है, एक लेना है मट्ठे का पैकेट, मट्ठा या छाछ, छाछ का पैकेट लेना है और रात को उसको पी के आपको सो जाना है। ये है रहेगा हमारा दिन भर का रूटीन, आप इसको फॉलो कीजिए। आशा करता हूँ इसे फॉलो करने से आपका वजन बहुत जल्दी घटेगा। अगर आपको ये मेरा डाइट प्लान अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।